ये रुको, कौन हो तुम लोग? भाई साहब, हम तो यहीं पे रहते गरीब नगर में। और ये? ये मेरे पति है, वो हम ना वो आगे वाली खोली में रहते। इधर आगे वाला खोली में रहते हम लोग। इससे पहले कभी देखा नहीं तुम लोग को? एक मिनट, झूठ बोल रहा है ये आदमी। अभी तो बाहर मुझसे गरीब नगर का पता पूछ रहा था। अरे बाप रे, यह तो वो आदमी है जिसको बाहर मैंने गरीब नगर का पता पूछा था। अय्यर, कुछ करो नहीं तो हम फंस जाएंगे। अरे मैं गरीब नगर का पता नहीं पूछ रहा था, मैं तो अपने घर का पता पूछ रहा था। अपने घर का? मेरा घर किधर है? क्यों इतना पीते हो? क्यों इतना पीते हो? कितनी बार बोला इतना मत पिया करो। कभी अपना घर भूल जाते हो, कभी अपनी बस्ती भूल जाते हो, किसी मुझे भूल जाओगे, कभी खुद को भूल जाओगे। देखिए ना भाई साहब, मेरी क्या फूटी किस्मत है, किसी आदमी से मेरा पाला पड़ा है। चलो तुम यहाँ से, चलो। पता नहीं इतना क्यों पीते हैं लोग। हाँ पर्वत भाई, यहाँ सब ठीक है? पता नहीं चल रहा है कहाँ बट रहे हैं मोबाइल। हाँ। अरे हाथी भाई, पता चला मोबाइल कहाँ बट रहे हैं? नहीं भेड़े मास्टर, कुछ पता नहीं चल रहा है। हमें एक बंदे ने बताया कि किसी चौराहे पे बट रहे हैं, लेकिन कब से ढूंढ रहे हैं, चौराहा मिल ही नहीं रहा है। यहाँ की गलियाँ भूल भुलैया जैसी है, कुछ पता नहीं चल रहा। वो लोग ना बहुत चालाक है, बस्ती में अंदर अंदर मोबाइल बांट रहे होंगे। हाँ, पर हमें उन्हें ढूंढेंगे कैसे? हमें खुद नहीं पता कि हम कहाँ हैं। सही बात है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। ए, देखा, ये वही मोबाइल था ना, टीटो मोबाइल, जो जेठालाल बांटने के लिए लेके आया था। हाँ वही थे। मतलब उस तरफ कई मोबाइल बट रहे हैं। चलो इसके देखते हैं। हाँ चलो। कुछ समझ में? चौरा ढूंढ रहे, कब से मिली नहीं। वोट किसको दोगे? सेवक लाल जी को। ये लगता है यही वो चौरा है जहाँ पे मोबाइल बट रहे। देखो देखो। वहाँ देख, मोबाइल बट रहा है। हाँ ये लो। पापा और मैं अंकल भी यही है। हाँ। वोट किसको दोगे? सेवक लाल जी को। कैसा आदमी है ये इस तरह से ओपनली अपने लिए वोट खरीद रहा है। इसको तो लॉ एंड ऑर्डर का कुछ डर ही नहीं है। ये देखो, ये है हमारे देश के नेता। वाह, बेझिझक, आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है यहाँ पे। हाश्ट वरी, ना इनको सरकार का डर है ना कानून का। ओए हम रोकेंगे इन्हें। आप तो बोल दिख रहे हो, वो लोग सुन लेंगे। सुकरिचे, सॉरी। ओए हम रोकेंगे इन्हें। और लोग भी कितने भोले भले हैं, अपना भला बुरा कुछ नहीं समझते। ये बेचारे मोबाइल लेके जा रहे हैं और कल सेवकलाल को वोट देंगे। ए, वो देखो, सेवकलाल जी भी वही है। वो देखा देखा, कैसे आराम से बैठा हुआ है, अपने हाथों से मोबाइल नहीं बांट रहा है, बड़ा शातिर है। कैसे बांटेगा? अगर वो बांटेगा तो उसके हाथ गंदे हो जाएंगे ना, सारे काले काम अपने चमचों से करवा रहा है। और ये चमचे भी ऐसे बेफिक्र है जैसे उन्हें कोई रोकने वाला नहीं। हमें कुछ भी करके सेवकलाल के खिलाफ सबूत चाहिए, और उसके लिए उसके हाथों से मोबाइल लेना जरूरी है ताकि उसका चेहरा इस कैमरे में रिकॉर्ड हो जाए। एक काम करते हैं, हम वहाँ पे जाएंगे और उसके चमचों से कहेंगे कि हमें आपसे मोबाइल नहीं लेना है, हमें सेवकलाल के हाथों से ही मोबाइल लेना है। गुड आइडिया, पर हम सबको अलर्ट रहना होगा। जेठालाल जी, आप भी मोबाइल बांटिए ना। मैं? अरे भाई, जय बता रहा था कि आप भी इसने काम में छोटा मोटा योगदान देना चाहते हैं। आइए मोबाइल बांटिए ना अभी। मैं? अरे आइए चलिए। ओह नो, ये जेठा जी तो बिना वजह फंस गए। ये देवकलाल का स्टिंग ऑपरेशन करने आए हैं और हो जाएगा जेठालाल का। अरे बाप रे, ये सेवकलाल ने तो मुझे मरवा दिया। अगर मैं मोबाइल बांटने जाऊंगा तो कैमरे में मैं भी आ जाऊंगा। कुछ करना पड़ेगा। hmm.
अरे जय। हाँ सर। जेठालाल को भी मोबाइल दो बांटने के लिए। आओ जेठालाल जी आओ। यार तुझे पप्पा का वाटा मोबाइल। ओह माय गॉड, ये जेठा जी क्या कर रहे हैं? तो क्या हमें स्टिंग ऑपरेशन तो सेवक लाल जी का करना था, अब तो जेठा भाई का स्टिंग ऑपरेशन हो जाएगा। वो का ये जेठा भाई क्यों मोबाइल बांट रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, मुझे यकीन है पापा मजबूरी में फोन बांट रहे हैं, वरना पापा क्यों फोन बांटेंगे? भाई साहब ये टीटो मोबाइल एकदम सस्ता और सादा मोबाइल है। ये जेठा लाल मोबाइल के बारे में मत बताओ, सिर्फ मोबाइल दो और वोट किसको देना है वो बताओ। अरे सॉरी भाई साहब, वो क्या व्यापारी हूँ ना, तो वो माल दिखाते वक्त ऑटोमेटिक वहाँ चाप दब जाती है और वही सब मुँह से निकलता है, सॉरी। हाँ तो भाई साहब ये टीटो मोबाइल आपको सेवक लाल जी की ओर से मिल रहा है, तो आप अपना अमूल्य मत चॉकलेट को ही देना। आया आया।